गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी विल डू मेडिटेशन टुगेदर। एक गहरी सांस लीजिए और सांस बाहर, एक और गहरी सांस अंदर और सांस बाहर। अब मैं चाहती हूं कि आप अपना सारा ध्यान अपनी नेचुरल सांसों पर लेकर जाएं। देखिए कैसे सांस अंदर आती है और बाहर जाती है। आपकी हर एक सांस के साथ आपका पेट बाहर आता है, फूलता है, और जैसे आप सांस बाहर निकालते हैं तो वो अंदर चला जाता है। आपको अपने पेट से सांस लेनी है, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करनी है। हल्की गहरी सांसें चलेंगी। हर सांस आप अपने पेट से लेंगे और वहीं से छोड़ेंगे। चाहती हूं कि आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। एकदम खुद से 3 बार दिमाग में कहिए, रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। अब मैं चाहती हूं कि आप अपना सारा ध्यान अपने फीट यानी कि अपने तलवों पर लेकर जाएं। मानो कि एक पानी का मोटा सा पाइप, उसमें से आपके तलवों पर पानी छोड़ा जा रहा है, तो उस पानी से होने वाली चुभन को अपने फीट पर, अपने तलवों पर महसूस कीजिए। एंड रिलीज। पानी का बहाव रुक गया है और आपके फीट की मसल्स पूरी तरह से रिलैक्स हो गई हैं। अब मैं चाहती हूं कि आप अपना ध्यान अपने एंकल्स पे लेके जाएं। पानी के बहाव को अपने एंकल्स यानी कि फीट के थोड़ा सा ऊपर जो जगह है वहां पर महसूस कीजिए। उससे होने वाले मसल्स के टेंशन को यानी कि सिकुड़न को फील कीजिए। एंड रिलीज। पानी का बहाव रुक चुका है, मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए और रिलैक्स कर दीजिए। अपना सारा ध्यान अपने घुटनों पर लेकर जाएं। पानी के तेज बहाव को अपने दोनों घुटनों पर महसूस कीजिए। उससे आपकी मसल्स के ऊपर जो प्रेशर पड़ रहा है उसको महसूस कीजिए।
उससे होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए घुटनों में। मानो पानी का बहाव रुक सा गया है, घुटनों की मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, आपके पैर पहले से और ज्यादा रिलैक्स्ड होते जाएंगे। अब मैं चाहती हूं कि आप अपना सारा ध्यान अपनी जांघों पर लेकर जाएं। पानी के बहाव को अपने दोनों जांघों पर महसूस कीजिए। उससे होने वाले मसल्स के टेंशन को फील कीजिए। ब्लड सर्कुलेशन को अपनी जांघों में फील कीजिए। जांघों की मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। पानी का बहाव रुक सा गया है और आपके पैर पूरी तरह से ढीले छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अब मैं चाहती हूं कि आप अपना सारा ध्यान अपने पेट पर लेकर जाएं। पानी के बहाव को अपने पेट, अपने स्टमक पे फील कीजिए। उससे होने वाले तनाव को पेट में फील कीजिए। पानी का बहाव रुक चुका है, पेट के मसल्स पूरी तरह से ढीले छोड़ दीजिए, उनको आराम दीजिए। अब अपना ध्यान अपने चेस्ट पे लेके जाइए। चेस्ट के मसल्स को तनाव दीजिए। रिलैक्स। चेस्ट के मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। अब अपना ध्यान अपनी पीठ पर लेकर जाएं। अपनी लोअर बैक यानी कि पीठ के निचले हिस्से को तनाव दीजिए। पानी के तेज बहाव को अपनी लोअर बैक यानी कि पीठ के निचले हिस्से पर महसूस कीजिए। उससे होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को अपनी पीठ के निचले हिस्से पर महसूस कीजिए। Thank you.
रिलीज। पीठ की मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए। अब मैं चाहती हूं कि आप अपना सारा ध्यान अपनी पीठ के ऊपर के हिस्से की ओर लेके जाएं। पीठ के ऊपर के हिस्से को तनाव दीजिए। पानी के तेज बहाव को वहां फील कीजिए और उससे होने वाले ब्लड सर्कुलेशन को महसूस कीजिए। पीठ के मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, रिलैक्स। अब मैं चाहती हूं कि आप अपना सारा ध्यान अपने दोनों कंधों पर लेकर जाएं, अपने स्ट्रेस को कंधों पर फील कीजिए, कंधों की मसल्स के अंदर तनाव को महसूस कीजिए। कंधों के मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, उनको पूरी तरह से रिलैक्स कर दीजिए। अब अपना ध्यान अपने दोनों हाथों पर लेकर जाएं, दोनों पूरे पूरे हाथों की मसल्स को टेंशन दीजिए, अपनी भुजाओं को, कोहनियों को, कलाइयों को, उंगलियों को, सबको पूरी तरह से टेंशन दीजिए, मसल्स को एकदम टेंस्ड कर दीजिए। मसल्स को ढीला छोड़ दीजिए, हाथों को पूरी तरह से रिलैक्स स्टेट में छोड़ दीजिए। अब अपना सारा ध्यान अपनी गर्दन पे लेकर जाएं, अपने गर्दन की मसल्स को टेंस्ड कीजिए, तनाव दीजिए। गर्दन की मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स। अब मैं चाहती हूं कि आप अपना ध्यान अपने चेहरे पर लेकर जाएं। अपने चेहरे पर तनाव दीजिए, चेहरे की मसल्स को तनाव दीजिए। चेहरे की मसल्स को पूरी तरह से ढीला छोड़ दीजिए, आंख
आंखें एकदम रिलैक्स्ड, चेहरा पूरी तरह से रिलैक्स्ड। अब अपना ध्यान अपने सर पे लेके जाइए, अपने स्कैल्प यानी कि सर के मसल्स को तनाव दीजिए। बॉडी इस वक्त हीलिंग स्टेट में है, उसके अंदर कहीं कोई तरह की बीमारी है छोटी बड़ी, वो खुद को हील कर रही है, ठीक कर रही है। अब मैं 1 से 5 गिनूंगी, मेरे 5 गिनने पर आपको अपनी आंखें खोलनी है। 1, 2, आप धीरे धीरे प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड में आ रहे हैं। 3, 4 और 5, अपने दोनों हाथों को रफ कीजिए और अपनी आंखों पर लगाकर धीरे से अपनी आंखें खोल लीजिए। That's it for today. We'll see you guys tomorrow. Oh, sorry, on Monday. Bye-bye. Have a great day.